हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 27 जुलाई 2023 वार मंगलवार, आवार बृहस्पतिवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे विदेशी बाजारों की। केएलसी में गिरावट रही लगभग 30 रिंगट की। सीबोट में हल्की सी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। रात को गिरावट थी। भारतीय बाजारों में तोड़फोड़ तेजी रही। अब इसके ऊपर आते हैं, उससे पहले खबर। रूस ने एक इंटरसेप्टिव मिसाइल के जरिए एक जहाज की गतिविधियां नोट की, जिससे रूस को लगता है इसके जरिए हथियार लाए ले जाए गए थे। उसके ऊपर और निगरानी बढ़ाने का फैसला रूस और नाटो ने किया है। वैसी कोई खबर कोई खास कोई है नहीं, यही अल निनो है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। इसके अलावा कोई खास खबर है नहीं। देश दुनिया में कहीं उत्पादन घट रहा है तो किसी में बढ़ रहा है, ये सब चलता रहता है, नॉर्मली बात है। अब दूसरी ओर बात करते हैं भारत के मौसम की। तो मौसम बारिश का मौसम है, सुहाना है, बहुत सी जगह बारिश हो रही है। अच्छी फसलें इस समय किसानों की खड़ी है, बहुत सी जगह किसानों को नुकसान लगा है। सरकार जल्द से जल्द नुकसान के मुआवजे की राशि दे। फसल बीमा पोर्टल को खोलकर किसान के गिरदावली करवाकर और फसल बीमा के जरिए किसानों को बीमा क्लेम दिया जाए। अब दूसरी ओर रुक करते हैं, आगे भी बारिश की संभावना है। अब रुक करते हैं सरसों। सरसों में सावधानी बरतने का समय आ चुका है। इसलिए भी नहीं कि भाई सरसों बहुत तेज हो गई, इसलिए भी नहीं कि भाई सरसों अब गिर जाएगी यहां से। आपको पता है, आपके सामने बताया था लगभग 6200 के आसपास तक के बाजार हमें दिखते हैं और बाजार जयपुर वहां तक जाएगा भी, 5-7 दिन अगस्त के ले सकता है, उसके ऊपर भी आएंगे। पर अभी कॉन्शियस होने का समय है, सावधानी बरतने का समय है। ट्रेडर को इन लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है इस समय बाजार में। इसलिए नहीं कि भाई कोई बड़ी भारी अफरा तफरी या गिरावट बन रही है। सरसों बहुत स्ट्रांग खड़ी है, बहुत स्ट्रांग अगेंस्ट द ट्रेंड। सरसों बहुत स्ट्रांग है, किसी भी गिरावट में सरसों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सोया उछल कूद करता रहता है 5-6 रुपए, सरसों किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सरसों स्टैंड है या तेजी की ओर है। सरसों स्ट्रांग है टेक्निकल तौर पर, फंडामेंटल तौर पर सरसों में सब कुछ स्ट्रांग है। बट सावधानी इसलिए जरूरत है, जब आप 52 वीक हाई के आसपास, आपको कुछ लोग कहेंगे जी 52 वीक कहाँ है, ये तो 7-8 हजार थी, 6800 के आसपास का, 6500 के आसपास का बाजार है, 52 वीक हाई आएगा। वो बात आपकी सही है, पर हमारे अनुसार ये 52 वीक हाई इसलिए है कि जो सीजन हम एग्री को अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स अपनी जगह, उनका अलग महत्व है। हमारा जो उद्देश्य है वो एग्री को अलग तरीके से ट्रेड करने का रहता है हमेशा। सीजन जो शुरू हुआ उसका हाई 5950 रुपए जयपुर है। बाजार इस समय 5875 के आसपास है। अब हाई से 50-60-70 या आप कह सकते हो 100 रुपए तक की दूरी है हाई से। तो बाजार जब अपने लाइफ हाई के आसपास जाता है तो उन लेवलों पे सावधानी बरतने की जरूरत है टेक्निकल तौर पर। दूसरा, हमने आपका सी बोट में बताया था भाई ये जो ट्रेंड लाइन है ये तीसरी बार रिटेस्ट हो रही है ऊपर से, इसके पार जाएगा तो नई तेजी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। तो जब वहां ऐसे लेवल पर बाजार है तो जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, जिसका ट्रेडिंग का नजरिया है, जिसका हफ्ता 10 दिन या 2-4 दिन का नजरिया है, जो मिलर है, जो माल बेरोक के बैठा है, जो प्रॉफिट उसको बुक करना चाहिए, बांधना चाहिए, ये वो लेवल है। यहां पे प्रॉफिट बांधना चाहिए, कॉन्शियस रह के ही बाजार में ट्रेड करना चाहिए। बाकी इन्वेस्टर शुड बी होल्ड फॉर द बिगर टारगेट लाइक 6800। हम उसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज बाजारों की चर्चा करते हैं। आवक 4 लाख बैग, उसके अलावा भाव 5850-5875 के आसपास जयपुर है। टोंक निवाई की बात करें 5800-5825 मील डिलीवरी। वही मंडी की बात करें तो 5430 टोंक है, 5450-60 रुपए के बाजार आप इस समय मान के चले निवई के। उसके अलावा हम बात करें जयपुर मंडी, उसके अलावा हम बात करें भरतपुर 5475-5500 रुपए तक के बाजार है। खैरतड़ 5585 के बाजार है। अलवर 5600, तिजारा 5600, बहरोड 5650, खेरली 5470 रुपए, बड़ौदा में 5650 रुपए। दूसरी ओर हम आते हैं कोटा मंडी, कोटा मंडी 5450 रुपए, बारा मंडी 5450 रुपए, उसके अलावा केकड़ी मंडी 5350 रुपए, सुमेरपुर जोधपुर 5615 रुपए के बाजार मरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम और आगे चलते हैं गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी में हम बात करें तो 5400 के समथिंग का बाजार मान के चले।
दूसरी ओर यदि हम चलते हैं गंगानगर जिले की ओर, लैब प्लस 1250-1300 रुपए तक के भी सौदे हुए हैं। मेल डिलीवरी 5650 से लेकर 5675 रुपए तक शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। बीकानेर भी यही मेल डिलीवरी के सौदे हैं, यही लैब के हिसाब से माल बिकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर यदि हम आए हिंडोन सिटी की हम बात करें तो हिंडोन सिटी 5500 रुपए के बाजार बनते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। गंगापुर शायद 5511 के आसपास का बाजार है। वहीं दूसरी ओर हम रुख करें हरियाणा का तो 5680 दादरी, 5580 भिवानी, 5680 शिवानी, आदमपुर 5400 कुछ 20-30 रुपए, 5410 रुपए के आसपास बिकती हुई नजर आई 5400 के पार। बरवाला 5300, हिसार 5200, बरवाला 5400, हिसार 5300, दिल्ली 5750, रेवाड़ी 5550 रुपए। वहीं सिरसा एलनाबाद की हम बात करें तो 5450-60 के आसपास के बाजार बिकता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आते हैं अलीगढ़ मंडी 5150, भिंड अलीगढ़ के बाद झांसी मंडी 5100 रुपए, मथुरा मंडी 5250 रुपए, शामली की यदि हम बात करें तो 5650 रुपए के आसपास। वहीं दूसरी ओर बात करें हम जगनेर की तो 5650 रुपए। अब आते हैं मध्य प्रदेश की तो 5300 रुपए के आसपास निमच और मंदसौर है। वहीं दूसरी ओर हम रुक करें अशोकनगर मंडी 5250 रुपए के बाजार है। उसके अलावा यदि हम बात करें प्लांटों के भाव की तो प्लांटों के भाव में अडानी 5850, बीपी 6100, शारदा 6100, सांवली 6225, अपना सलोनी अलवर वाला 6275, कोटा वाला 6200 और 6250 के बाजार है इसके आगरा वाले दोनों प्लांट। एक तरफा तेजी है, बी कॉन्शियस, बी अलर्ट, वेट एंड वॉच सिचुएशन फॉर द ट्रेडर। नेक्स्ट टाइम वी विल रिव्यू अवर टारगेट।